तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। ये हमारा वन ब्लॉक है, वन ब्लॉक की सीरीज़ है। तो ये मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे वेल बना ली है, तो तीन चेंजेस किए हैं और मेरी हीरो ब्रांड वाली स्किन। तो मैंने इनफिनाइट वाटर सोर्स बनाया है आइस से लेके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, कुत्ता भी मैंने बिठाया हुआ है और ये पोलर बियर हमारा मेहमान इधर ही, इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से ना आगे चलता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने अपना ये वाला एरिया भी कंप्लीट कर लिया है, एरिया मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी कि प्लेंटी ऑफ स्पेस। तो मैंने ना इस डार्क ओक से नीचे वाली लेयर बनाई, फिर मैंने ना अंदर मेरे पास ये वाली ज़्यादा प्लैंक्स थी, तो फिर मैंने इधी से ही काम चला लिया। तो अभी मैं हम लोग आज भी हम लोग यही कुछ करने वाले हैं वन ब्लॉक की सीरीज़ में, बाकी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये थोड़े बहुत पत्थर डिग डाउन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं यार। वैसे आइस तो आनी नहीं है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब हम लोग करते हैं। और वो मेरा ओ ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ये देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी भी आ रही है बीच बीच में, बीच बीच में नहीं ज़्यादातर, वैसे अभी तक मिट्टी ही आ रही है। तो अभी इसको मैं तोड़ तोड़ के पागल हो गया हूँ यार। वैसे बड़े बोरिंग होते हैं यार ये वाले फेसेस जो होते हैं ना। अब आयरन आ गया, ओ लूमड़ी आ गई, लूमड़ी आ गई यार। ये बस भालू इधर ही रहे, भालू मार दिया ना अगर आज तूने उसको, तो सच्ची में मैंने तुम्हें आज मार देना। किधर गई वो लूमड़ी? हेलो, हाँ ये क्या पकड़ा है रे वो बहन, वो लूमड़ी, वो लूमड़ी इधर आ, मैं तुझे खाना खिलाऊं। पहले उगलने दो, पिछली दफ़ा की तरह ज़ाया ना कर देना। एक और लूमड़ी आई। मैं यहाँ से ना अभी काफ़ी ज़्यादा डिटाउन करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड अभी आप लोगों को करके। तो अब मैं हड्डी यहाँ पे यार ढूंढ रहा हूँ, हड्डी हड्डी। हाँ ये बोन मील क्यों फेंका है भाई? अच्छा बोन मील से ना, दरअसल मुझे ये करना है कि मैं बेरीज उगाऊंगा, एंड देन हमारी बेरीज का काम तमाम। यानी कि मेरा मतलब है कि जो लूमड़ी है मैं उसको खाना खिलाऊंगा, एंड देन। तो अभी सैपलिंग्स वेपलिंग्स थोड़ी बहुत कर लेते हैं हम लोग। तो अभी ना यहाँ पे यार इसको मैं कहाँ पे उगाऊँ, एक काम करें तो, ठहरो ठहरो ठहरो, एक यहाँ पे उगा देते हैं और इसको बड़ा करो। बोन मील ही ख़त्म है, तालियां बजाओ। अच्छा तो अभी यहाँ पे मैं वापस तोड़ रहा हूँ, तोड़ो 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 यार। ये तो एक सबसे गंदी मुझे बात था वन ब्लॉक की अभी तक यही लगी है, फेसेस का वेट करो, फेसेस का वेट करो, फेसेस का। मैं अभी तक आप लोगों को सीरियस बता रहा हूँ गाइस, सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ ये तीसरा या चौथा पार्ट है मेरा, मेरे ख्याल से तीसरा है हाँ। और गाइस सीरियसली यार, सीरियसली मैंने अभी तक सिर्फ इसके 5 क्लिप्स रिकॉर्ड किए, जिसमें मैंने एक मॉब स्पॉनर बनाया और कुछ भी नहीं मैंने अभी तक किया यार। इतना बोरिंग ये वाला मुझे मोड लगता है, लेकिन फिर भी हम इसे खेलेंगे और अंडर ड्रैगन को भी इस वाले मोड में रहेंगे। और यार ये भी पता नहीं क्या होना शुरू हो गया था। हाँ तालियां बजाओ यार, हड्डियां दे रहे हो, एक आइस काम की चीज़ दी है। चलो हड्डी भी बोन मील से अभी मैं इसको बड़ा करूँगा एकदम से पेड़ को, और फिर हम लोग, क्योंकि आज मेरे ख्याल से मैं घर अपना बना लेते हैं हम लोग। हड्डी तुम पहले खाओ यार, पहले तुम लोग खाओ, पहले तुम लोग मेरे पेट्स बनो। ओ भाई खा गए, हजम कर ली हड्डियाँ यार सच्ची में। अच्छा तो अभी यहाँ से ना हम लोग और ज़्यादा स्नो लेते हैं, और मैं स्नो गोलम्स भी बनाऊँगा। और यहाँ से ये तोड़ो, हाँ और जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, सॉरी जो मैंने बाद में देखी तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि रुक रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा लाइव स्ट्रीम अगली दफ़ा, यानी कि इसी संडे को, या क्या पता करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं करूँगा। और की तो फिर क्या नाम है, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। ओह भालू
यार पर मुझे इतना पतला है, इसको बनाना ही नहीं चाहिए। ओ भालू किधर है? किधर किधर किधर? यार अजीब अजीब सी आवाज़ें। शुक्र है बच गया, शुक्र है गोलू भालू मेरा बच गया। वैसे अगर मर जाता तो बेहतर था, मजाक कर रहा हूँ। अब उसकी यार काफ़ी ज़्यादा, चलो एक उसकी जोड़ी आ गई, तो वापस से मैं यहाँ पे तोड़ूँ तो यहाँ पे भी ये भी तोड़ो 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 तोड़ो, सब कुछ आज तोड़ डालूंगा यार। एक फेस तो आज कम से कम मुझे ख़त्म करना है। चलो एक काम करते हैं गाइस, हम एक काम करेंगे, हमें जो वन ब्लॉक में चाहिए होगा हम वही बनाएंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं इसमें बनाएंगे। नहीं यानी कि ऐसी बात भी नहीं कि हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे। फिर भालू आया, फिर भालू आया, फिर से आया। मैं यार भाई निकलो, मरोगे मरोगे भाई। ओ भाई शुक्र है तुम सही हो। तो अभी यार ये इसको मारो यार, इसको मारो इसको मारो। क्या ये रॉ सैल्मन खा सकता है? मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था शाजिया तबस्सुम की आईडी से कि ये खाता है, लेकिन इसने नहीं खाई, नहीं खाई इसने, इसने नहीं खाई, इसने नहीं खाई। चलो अब मुझे बाकी भी कोई बता दे, वैसे मुझे पता है पोलर बेस कुछ खाते नहीं है, एवं बस ये खाते नहीं है, ये बच्चे नहीं देते, बस एम ही है इस दुनिया में, एम ही माइनक्राफ्ट में फिर रहे हैं। आप लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी आपकी खुश नसीबी है, लेकिन वन ब्लॉक में तो कोई खुश नसीबी नहीं है। तो वैसे कुछ खाते वाते हैं नहीं, ये बकवास आयरन वो है पोलर बेयर्स है। मुझे पहले पहले का पता था कि ये कुछ नहीं खाते, लेकिन चलो हम लोगों ने ट्राई कर लिया। आप लोग भी मुझे टिप्स एंड टिप्स बताया करें इसकी, मैं ट्राई करके पक्का देखा करूँगा। ठीक है डन है जी। और टिकटॉक हैक्स भी हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द, मज़ा आता है यार वो बड़े मज़े मज़े की बनते हैं। तो अभी यहाँ से यार मैं जो ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड, स्पाइडर आए, हाँ ये आयरन ओर, इसको रखो और इसको हम लोग स्मेल्ट करते हैं। स्मेल्ट गोल्ड तो पहले निकालते हैं, निकलो। ओ यार एक्सपी, एक्सपी जब बहुत ज़्यादा आती है ना तो मज़े आ जाते हैं। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं वापस तोड़ूँ, नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, हाँ तो अब मैं यहाँ पे फिर से ये, हाँ स्टोन पिकैक्स आ गई, अब हम लोग वापस यहाँ पे तोड़ना शुरू करते हैं। हाँ और एक और बात बताऊँ, मेरे ख्याल से मुझे ना, हाँ मुझे एक डायमंड भी मिला था, डायमंड ठीक है, मैं बैक कैमरा भी फेस का वो कर रहा था तो मुझे एक डायमंड भी मिला था। ठीक है तो ना इसका मैं कर्व सा एरिया बना दूंगा, यानी कि थोड़ा सा नीचे करके ना लंबाई उसकी लंबी करके तो टेढ़ा मेढ़ा करके बना दूंगा। ठीक है तो अभी यहाँ से ना सबसे पहले मैं अपना सारा सामान ऊपर करो और काम की चीज़ें नीचे करो भाई, सिंपल बात है। यहाँ पे ओ क्लॉक भी लो, ये भी लो, क्योंकि अब मुझे बनाना है मेरा एक्चुअल घर। ठीक है गाइस, तो घर बनाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, तो मैं चीज़ें ला के बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो मैं ना सोच रहा हूँ कि अपना घर ना थोड़ा डिज़ाइनिश से बनाऊँ, यानी कि ये जो ओक लॉग है, यानी कि थोड़ी सी लाइट भी है, इसको एक लाइन इसकी एक खड़ी कर दूँ और दूसरी ना काले वाली की खड़ी करूँ। ये यार पता नहीं इस वाली को क्या कहते हैं, लेकिन ये वाली अभी जो मैं प्लेस कर रहा हूँ ना, ये वाली जो भी मैं तोड़ रहा हूँ, ये वाली मेरी फेवरेट है। तो एक एक गैप दे के मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए। बताना कमेंट्स में घर अब जब बनेगा ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मुझे फिर कमेंट्स में फिर ज़रूर बताना कि मेरा घर कैसा लग रहा है, अच्छा भी बना है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी टिप यानी कि बाउंड्री सी एक बना रहे, तो फिर हम लोग दीवार खड़ी करेंगे और अंदर का काम सारा हुआ होगा, बस छत ही और एक बाउंड्री तो बस खड़ी करनी है। तो एक काम करता हूँ, इस वाले को तोड़ो और यहाँ पे, यार मेरे ख्याल से मैंने गड़बड़ कर दी है, हाँ गड़बड़ कर दी है। मैं ना इतने लंबा बड़ा नहीं बना सकता यार, फिर एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी पता है कि वन ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक वहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ क्योंकि वो कम पड़ गया है। हाँ तो वैसे अब मैं जो है ना इसको वैसे अब कवर करते हैं, एक काम करते हैं यार इसको भी तोड़ो, पूरा पैटर्न यही रख। तो वैसे मैं सोच रहा था कि थोड़ा आगे से ना एक ही कर दूँ और पीछे से एक, लेकिन चलो खैर आप छोड़ो,
ओ मसला हो गया, अब क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, बल्कि इसको तोड़ो, और जो मेरी ये लाइट वाली ओक है ना, इस वाले को भी लगाऊंगा तो करे हमारा काम चलेगा। गेट में बाद में बनाऊंगा इसका मतलब है, ठीक है? तो मेरा मेरे दिमाग में पैटर्न थोड़ा इस तरह का आ रहा है, तो फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि घर कैसा बना मेरा, ठीक है? तो यार अब ये बात भी नहीं है, मेरी क्रिएटिव क्रिएटिव मोड की मेरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन अब इस वाले काम में करें तो अभी यहाँ से ना मैं तीन तीन ब्लॉक्स की हाइट में, एक दो तीन, ठीक है? तो तीन इसलिए ना क्योंकि फिर इसकी एक और बाउंड्री को करूँगा तो फिर तीन तीन की हाइट का मेरा वो बन जाएगा, ठीक है? तो अभी इसको ऊपर चढ़ के मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ और वो नीचे ही पड़ा रहने दो, तो अब इससे यहाँ से भी ऊपर लेकर जाता हूँ। हाँ यार, ये मेरी पुरानी वीडियो है इसलिए पीसफुल हुआ है, मैंने काफ़ी अच्छे से चढ़ाई नहीं थी, तो ये ना कहना कि मैं पीसफुल में खेल रहा हूँ, तो हार्ड में मैं खेलूँगा। ये मेरी पहले की, बहुत पहले की मेरी रिकॉर्ड हुई हुई है, जब मैं ये आप लोग मुझे कहते थे ना कि मैं पीसफुल में खेलता हूँ, उससे भी पहले की ये वाली रिकॉर्ड हुई हुई है, तो मैंने चढ़ाई नहीं मुझे यार क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। तो अब मैं चढ़ाया करूँगा रेगुलरली, इसकी भी चढ़ाऊँगा क्योंकि रह ही किसकी गई है, मेरे ओरिजिनल वर्ड की नहीं है अभी कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, तो अब मैं साथ साथ रिकॉर्ड करूँगा, तो फिर आप लोग देखते रहना मेरी वीडियोस और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो वैसे यार ब्लॉक्स कम पड़ गए हैं एक, हाँ ये इसकी भी तो भी बनती है ना, चार ये वाली हो गई, चलो ये यार ये ज़ाया, ये सच्ची में यार मैंने सारी ही ज़ाया कर दी है, दो रह गई थी बस, तो यहाँ पे भी करो और यहाँ पे चार लग रहे, पूरा हो गया ए टू जी पूरा हुआ, एक ब्लॉक गाइस रह गया था वरना मैं गया था यार सच्ची में, अगर एक और ब्लॉक नहीं होती मेरी तो। यहाँ से भी अब मैं थोड़ा बहुत ऊपर ले आता हूँ, अब और कोई काम भी नहीं है, अब और कोई काम भी नहीं है, ठीक है? बस ये मुझे सिर्फ ये वाले ब्लॉक्स लगाने हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें, मैं थोड़ा बहुत फास्ट कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग ये करते हैं, ये ओ ख़त्म हो गया, अब ये मसला बन गया ना, अब क्या करें यार? वैसे एंट्रेंस के मेन सामने ही नहीं होना चाहिए था गेट मेरे ख्याल से, अगर बिल्कुल सामने हो तो मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, तो फिर चलो ये ऐसे तो ऐसे ही सही, अब क्या कर सकते हैं? चलो एक काम करूँगा मैं डायरेक्शन, लेकिन यार सबसे पहले वुड मिल जाए, ये बार बार मेरे से एस्केप का बटन दब रहा है यार। ग्रे टेराकोटा भी है, अगर हम इस वाले को करें, एक सेकेंड, ये 20 तो पहले लो ना, 3 XP हो गई है मेरी, 3 कम, 1 ब्लॉक में XP कमाना इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल नहीं, अगर आप लोग मॉब स्पॉनर बना लेते हो तो बहुत फिर ज़्यादा आसान है। और आप लोगों के लिए जो मेरे माइनक्राफ्ट का ओरिजिनल वर्ल्ड की जो सीरीज़ है, अगला पार्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है ना कि मैंने दो बड़े बड़े फार्म्स बनाए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा। तो अगली वाली एपिसोड में मुझे कमेंट्स में ज़रा सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ अगली वाली एपिसोड में, वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बड़ी औसम औसम मैंने चीज़ें उसमें बनाई हैं, तो अब मुझे आप लोग बताना कमेंट्स में कि मैं क्या अगली वाली एपिसोड में करूँगा। एशियन डेब्रीज से तो अपने आप को कवर करूँगा, इंचेंटेड को ट्राई करूँगा, ठीक है? इंचेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और अपनी तलवार और मेरी कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ इंचेंट हुआ है, कुल्हाड़ी शवल और ये चीज़ें जो हैं इनको मैं ज़रा इंचेंट करूँगा, और इनको इनको इंचेंट करेंगे, और एंड में जब हमारे पास फुल नेदरराइट का सेट आ जाएगा तो फिर मज़ा यार। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं डुप्लीकेट्स इसके बनाता हूँ तो यार वैसे मुझे फीलिंग नहीं होती, खुशी नहीं होती उस तरह जिस तरह यार रियल में अपने अपनी मेहनत से एशियन, यार वैसे देखो गेम का ग्लिच है इसमें, हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन अब एशियन डबरीज लाना कोई मुश्किल बच्चों का खेल तो नहीं है, जो मैं एक दफ़ा में सिर्फ 6 स्कार्फ्स लाए और मैंने 4 डाल के 2 जो मेरे बचे, तो उसके बाद से मैंने एक इंगट से मैंने 23 24 कर डाले, तो यार वैसे मुझे ना थोड़े बहुत लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो लालच बुरी बला है, तो
अभी आने वाले दिनों में कोई नया वर्जन आप लोग आने दो, मैं नए वाले वर्जन में खेलूंगा। लेकिन यार मसला ये हुआ है, वो कहते हैं कि अब हम लोग नहीं खेल सकते, अब हम लोग पुराने वाले वर्जन में ही हैं। तो मैं ट्राई उसको करूँगा सेट करने की। तो अभी यार ये वाली ना, मैं सच्ची में मुझे वन ब्लॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं एक तरीके से है कि इसमें एक ही ब्लॉक से हम लोग सारा करते हैं। तो अभी यहाँ से इसको तोड़ो, फिर से मैं ये वाला फेस पूरा तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे लकड़ी चाहिए। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है? यार मैं तो बोर ही हो गई हूँ यार कर कर के। ये अल्लाह नया वाला फेस दे दे। ओ अगला वाला फेस आ गया, अगला वाला फेस आ गया, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ से क्या नाम है, अभी हम लोग थोड़ा अपना वेट करते हैं नए वाले फेस का। तो नया वाला जब, ओ यार एक तो ये इतनी ज़्यादा हमें चुभती है ना, हमें नहीं मुझे, मेरे प्लेयर स्टीव को जो दर्द होता है ना गाइज, वो आप लोग नहीं पहचान सकते सच्ची में। तो 8 सेकंड्स में भी होता है ये वाला फेस अपग्रेड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा फेस आया है। ओ कौन सा फ्रोज है, यू रेश द फेस फॉर ओशन फ्लोर। इसका मतलब हमें वो जो ओशन मूवमेंट नहीं होता, उसकी हमें सारी आइटम मिलने वाली हैं, और क्या पता गार्डियन तक यहाँ पे स्पॉन हो जाए। तो ये चौथा हमारा फेस है, यानी कि हमें बस 6 गुजारने हैं, जिसमें मुझे इतना आइडिया है कि नेदर का भी आएगा। और नेदर के तो आप लोग छोड़े ना, आखिरी जो हमारा 10वां वाला फेस होगा मेरे ख्याल से, उसमें हमें एंड सिटी हमें मिलेगी मेरे ख्याल से, एंड सिटी। तो एंड सिटी जब हमें मिलेगी तो फिर तो यार मज़े आएंगे। बस हमें उसके अंदर आई ऑफेंडर और शल्कल बॉक्स और एलेक्ट्रा भी क्या पता चेस्ट में मिले, या क्या पता। वैसे एलेक्ट्रा तो हमें मेरे ख्याल से एंडर ड्रैगन को डिफीट करके उधर शिप में जाना पड़ेगा, और वो तो आप लोग फिक्र ही ना करें ना, क्या पता अपने मैं ओरिजिनल वाले वर्ल्ड में थोड़ा टाइम से कर लूँ। लेकिन इस वाले वर्ल्ड में देखना, मैं एंड आप लोगों को करके बताऊँगा। मुझे इतना ज़्यादा नूबड़ा मत समझना, ठीक है? नूब नहीं हूँ मैं प्रो हूँ, ठीक है ना? मैं देखना, मैं आप लोगों को एंड करके बताऊँगा। तो अभी यार ये सारा कचरा यार जो जो जाता है चला जाए, मैं कसम से इतना यार ये कचरा मचाते हैं ना यार ये वाले गेम वाले, मेरा दिल करता है अब क्या कहूँ यार। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली है। और एक और चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे ना, ये जो सैंड आती है ये मुझे इसका इलाज मिल गया है। इसके नीचे मुझे एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सोना भी आ गया। ओहो मिल गई, मिल गई वो वाली वुड, आ गई वुड आ गई। तो मैं इस वाली वुड को अभी कलेक्ट करूँगा और हम लोग वापस अपना घर जाके करेंगे। लेकिन यार मेरा दिल कर रहा है ये वाला भी आज फेस ख़त्म कर दूँ। डॉगी हट जाना यार, मार खानी है मेरे से। ये क्या है, ये क्या है, ये आवाज़ें मुझे किस किस्म की आ रही हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड यार, मुझे तो डर ही लग रहा है। ये भालू तो नहीं मार रहा? एक सेकंड, ये भालू तो नहीं मार रहा यार? मेरे ख्याल से वो भालू मर गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे और किसी की जगह भी नहीं। और डॉगी मुझे पता है जब वुल्फ मरता है तो उसकी कैसी आवाज़ होती है, और ये बक्का भालू की मुझे लग रही थी। पीछे लिखा अभी आ रहा था, हाँ सही है। और एक ही यहाँ पे अभी भैंस है, अभी तक कोई इन्होंने मुझे भैंस नहीं दी। ओ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टूट गया। तो यार अभी ना मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये क्या होता है, ये किस लिए होता है, ये आप लोगों को पता है? ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये किससे ज़्यादा जल्दी, पता नहीं। मेरे ख्याल से जलाने वलाने के काम में आता है चीज़ें जब हम लोग। ओ स्क्विड आया यार, चलो भाई मरो मरो, हमें हमें अपनी काली स्याही दो, हमने कलम से माइनक्राफ्ट वालों को ख़त लिखना है। तो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे भालू भी खड़े होके देख रहा है, भाई कैसे माइनिंग करता है कासिम। अब चला गया, मैंने जो ही बोला है नज़र लगा दी है माइनक्राफ्ट वालों ने, मेरे स्टीव की आंखों ने, मेरे स्टीव की आंखों ने पोलर बेयर को नज़र लगा दी है। अच्छा चेस्ट में, ओहो अच्छी लूट है, अच्छी लूट है, इसको बुरा नहीं कह सकते। बस एक सी की, समंदर की गाजर एक अच्छी नहीं मुझे लगती। समंदर की गाजर मेरा मतलब समंदर की घास, समंदर की घास का निक नेम होता है समंदर की गाजर, ठीक है? हम इसको समंदर की गाजर बुलाया करेंगे, ठीक है?
इसको भी मैं अभी यहाँ से तोड़ना शुरू करता हूँ। और यहाँ पे अब आपको पता है हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सी लैंटर्न बना सकते हैं। तो चेस्ट वगैरह भी, यहाँ ये डॉगी देखो, आप जाओ यहाँ से, आपको लग जाएगी। तो देखो अच्छे बच्चे हो, हाँ देखो अच्छा बच्चा है, वो चला गया। इसका मतलब ये सारे पेट्स जो है ना, बोन्स ला के हम सबको टेम करेंगे, और टेम करने के बाद हम लोग सारा करेंगे। और यार मैं ये लकड़ी आ रही है, अभी क्या आ रहा है, ओह मछली आई, चलो अच्छा है। थैंक्स फॉर योर रॉ सैल्मन। ये पोलर बेयर हट ना यार, अब ये मुझे मारेगा, मरो 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 मरो। ओह इसने मुझे दिया रॉ बीफ, रॉ बीफ नहीं दिया यार, मेरे पोलर बेयर ही मर गए हैं। अब मैं पोलर बेयर कहाँ से लाऊंगा, नहीं मरना है ना, तो मैं पिछली एपिसोड में भी खुदकुशी करने में तुली हुई थी। तो यार पोलर बेयर्स तो मेरे मर गए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन क्या पता रैंडमली स्पॉन हो जाते हैं, वैसे आ जाते हैं। तो क्योंकि यार लेटेस्ट एपिसोड जो है ना, उसमें मैंने बनाए हुए हैं सारे, तो उसमें सारे पोलर बेयर्स मैं लाऊंगा। और ऊपर मेरे दिमाग में एक आ रहा है, ऊपर जाके ना मैं एक ऐसा बनाऊँ जिससे वो करूँ, और इससे हमें एक्सपी मिल रही है। गोल्ड से तो नहीं मिलती, गोल्ड है ही खस्तू क्योंकि। तो यहाँ से सारा अभी हम लोग ये ओशन वोशन का सब कुछ तोड़ो। और अभी ये एक और मछली, एक और मछली मरी यार, वैसे बड़ी प्यारी मछली थी। काश वैसे ना इस वाले इसके पास ना बंदे को पानी बना देना चाहिए, पानी के डाल देना चाहिए कि कोई भी मछली आए, कोई भी चीज़ आए तो वो पानी, क्योंकि देखो जैसे स्क्विड आया, सारे पानी वाले जानवर हैं, फिर बंदा नदी बना कर लाए। देखो अब जैसे ये भी मछली आई, अगर यही होता तो ये पानी में चली जाती कैसा। अब हम लोग इससे सी लैंटेन बना सकते हैं, ठीक है, ये जो ये वाला ब्लॉक आया है। तो यार ये ग्रीन वाली डाई पता नहीं किस काम आती है, पर चलो कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे फेंकते हैं, मट्टी फेंको यार कचरा। चलो गोल्ड मिल गया, ग्रेट, इसको भी रख लेते हैं। ओशन चेस्ट, चलो क्ले फेंको यार, इसको भी फेंको। मैं चीज़ें एक काम करता हूँ, चेस्ट में अभी अपना सारा सामान रख देता हूँ, सारा सामान चेस्ट में रखो, ठीक है यार, फेंको बस फेंको हमें बस ये सारा सामान। देखो सी, देख सकते हैं आप लोग, सी लैंटेन की सारी यहाँ पे रेसिपी आ गई है। तो अभी अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ इसमें, काफ़ी ज़्यादा नहीं कर चुका हूँ। और यार ये उग ही नहीं रहे पता नहीं क्यों, हालांकि जगह भी प्लेंटी है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ होती फिर मानता कि नहीं क्यों नहीं उग रहा, उग ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। और यार जो मेरा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है, उसमें मैंने मेहनत क्या कर ली उसमें, तो तोबा तोबा हर वक्त भी बारिश होती रहती है यार, और वो भी थंडर वाली, और क्रीपर्स, चार्ज क्रीपर्स आना शुरू हो गए मेरे वाले वर्ल्ड में यार। मैं तो दिल ही नहीं करता अब उसे खेलूं, मुझे डर लगता है उसको खेलते हुए कि कहीं हीरो ब्राइन ही ना आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, एक सी लैंटेन आ गई, और मेरे ख्याल से मैं अपने गेट की मेन एंट्रेंस जो है उस पर दो सी लैंटेन्स लगा लेता हूँ, यूँ सही रहेगा। एक काम करता हूँ यूँ दो लगा लेता हूँ, और उसके नीचे हम लोग दो गेट लगा लेंगे तो वो ऑसम लगेगा, ठीक है। तो अभी यार मैं चेस्ट में इसको रखो, ये तो हमारा खाना वाना है ना, ये हमारे डब्बे होते हैं, इसमें अंडरग्राउंड चेस्ट है, स्नो चेस्ट है, हाँ ये। तो यहाँ पे स्नो चेस्ट का फेस में जो कुछ भी आया इसमें मैं रख देता हूँ वैसे स्नो चेस्ट में, और अपने टूल शूल सब कुछ, ठीक है। और अब मैंने पता है क्या करना है, शेयर्स और ये सारा लेना है, और इस इन सब को तो रखो, इन सब को भी रखो, पहले इनकी जगह बनाता हूँ। अब ना मुझे यार चेस्ट को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि कैसे बताऊँ आप सबको, मुझे चेस्ट को ट्रांसफ़र करना है, एक चेस्ट यानी कि मुझे ना जा जा के वहाँ पे रखनी है चेस्ट। यहाँ लाइन में होंगी और हर चीज़ में अलग अलग होगा, यानी कि आप लोग नहीं यार समझोगे, जो माहिर लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं। तो इनको ना मैं अलग अलग रखूँगा, इनके आगे साइन बोर्ड्स लगाऊंगा, और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ बना रहे हो सब कुछ। तो अभी यहाँ पे ना सारे, अब टूल्स वाली मेरे ख्याल से चेस्ट होगी, हाँ मैं काम करता हूँ सबसे नीचे वाली चेस्ट जो है ना वो अपने टूल्स वाली रख लेता हूँ, जिसमें मेरे सारे टूल्स होंगे, ठीक है। और फिर यही है, ठीक है, और सारे जितने भी टूल्स हैं मैं निकाल लेता हूँ, कोल ये भी टूल नहीं है, ठीक है, हाँ एक स्टोन पिकैक्स और एक कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स भी आ गई लकड़ी की, वुड की, ठीक है। हाँ
अब देखना, अब इसमें मैं सारा ये अपने सारे टूल्स रख देता हूँ, तरतीब से रखता हूँ यार, शेयर्स के क्या औकात। इसके बाद शवल, इसके बाद अब स्टोन एज, और अब हमारी ये आई, और अब हमारा आयरन आया। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने वुड से खेला, उसके बाद हम लोगों ने फिर इससे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, टाटा।